षड्यंत्रकारी और कोई नहीं अपितु राजगुरु तथाचार्य है। हम कैसे हो सकते हम महाराज, ये असत्य है। सैनिक, आप लोगों को साक्ष्य कहां प्राप्त हुए? महाराज, राजगुरु के निवास स्थान से। महाराज, तथाचार्य के विरुद्ध साक्ष्य है, सबके समक्ष है। ये मुखौटे इनके निवास स्थान से उपलब्ध हुए हैं। महाराज, इसी कारण राजगुरु तथाचार्य हमें और पंडित रामकृष्णा को अपराधी सिद्ध करना चाहते थे, परंतु पंडित रामकृष्णा की सहायता से इनका भांडा फूट गया। महाराज, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। महाराज, भला हम पंडित रामकृष्ण और महामात्य के विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचेंगे? ये क्या किया इसने? इसने तो ऐसा खेल खेल दिया कि जिसमें गुरुवर और मैं दोनों फंस गए। प्राप्त होगा महाराज, क्या प्राप्त होगा षड्यंत्र रचकर? आपको क्या लाभ होगा और हमें क्या हानि होगी, यह भी पंडित रामकृष्ण हमें बता चुके हैं। छोटी रेखा को यदि बड़ी रेखा बनना हो तो उसका सबसे आसान उपाय है बड़ी रेखा को मिटा देना। छोटी रेखा स्वतः बड़ी हो जाती है, समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल नहीं समझे। हम समझाते हैं, राज दरबार में बड़ी रेखा अर्थात हम और पंडित रामकृष्णा को मिटा के हटा के आप सबसे अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे। ना, ये असत्य है महाराज। राजगुरु तथाचार्य, आपके इसी स्वप्न और महत्वाकांक्षा के कारण आज आप इस राज दरबार में एक अपराधी के रूप में खड़े हैं। मत भूलिए कि एक बार को आप हमारे विरुद्ध जाल बुन के बच सकते हैं, परंतु पंडित रामकृष्णा के विरुद्ध नहीं। देखिए कितनी आसानी से उन्होंने आपका बुना जाल काट के फेंक दिया। पंडित रामकृष्णा, आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष, तो आप जीवा पर ताला लगा कर क्यों खड़े हैं? मुख खोलिए, कुछ बोलिए पंडित रामकृष्ण, बताइए हम अपराधी नहीं है। महाराज, मैं वो उन्हें जो कहना था वो कह चुके हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपके बार बार कहने से, कोचने से पंडित रामकृष्ण सत्य को असत्य सिद्ध कर दे? बताइए पंडित रामकृष्ण। अब आपको कैसे बताऊं कि इस कहकाला ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि जिसे यदि मैं तोड़ता हूं तो आपके साथ साथ ये मुझे भी चक्रव्यूह में फंसा देगा, फिर ना मैं आपको बचा पाऊंगा ना स्वयं को। राजगुरु, आपके विरुद्ध साक्ष्य है, हम सबके समक्ष है। ये जो मुखौटे मिले हैं आपके निवास स्थान से ही प्राप्त हुए हैं। राज दरबारी जन, प्रजाजन, आज एक बार फिर पंडित रामकृष्णा की समझ बूझ और चातुर्य से एक और बड़ा अपराधी अपराध करने से पूर्व ही पकड़ा गया है। पंडित रामकृष्णा की जय जयकार होनी चाहिए। पंडित रामकृष्णा की, पंडित रामकृष्णा की, पंडित रामकृष्णा की। राजगुरु, हमारा अर्थ है कि भूतपूर्व राजगुरु, हमने आपके विषय में तो पहले ही सुन रखा था कि आप कपटी हैं, धूर्त हैं, पाखंडी हैं, किंतु हमने इन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। किंतु आज पंडित रामकृष्ण जी की चतुराई से यह साबित हो गया कि अपराधी आप ही हैं, और अपराधी चाहे कोई भी हो, अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है, और आपको राजगुरु आज दंड हम देंगे। दंड नहीं महाराज,
हमारी बात सुनिए महाराज, हम निर्दोष है महाराज, हम सच कह रहे हैं महाराज, हमने कुछ नहीं किया, हम निर्दोष है महाराज, हम निर्दोष है। बोली ना पंडित रामकृष्णा, महाराज को बोलते क्यों नहीं आप? चुप, शांत हो जाइए। आपने हमारे दरबार के हीरा और मोती यानी कि दो अनमोल रत्न पंडित रामकृष्णा जी और कैकाला महामाते जी, इन दोनों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है, और षड्यंत्र रचने वाले का एक ही दंड होता है, मृत्युदंड। आज शाम को सभी की उपस्थिति में आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। नहीं महाराज, महाराज नहीं, महाराज हम निर्दोष, हमने कुछ नहीं किया महाराज। बोलिए महाराज को, पंडित रामकृष्ण बोलिए ना महाराज को, हम निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया है। छोड़ दीजिए महाराज, हमें छोड़ दीजिए महाराज, हम निर्दोष है महाराज, हमने कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दीजिए महाराज। हम दोनों को कोई तीसरा तो ढूंढना होगा ना, जिस पर यह दोषारोपण किया जा सके। ऐसा काल्पनिक व्यक्ति कौन हो सकता है? कपाल शत्रु। अति उत्तम विचार पंडित रामकृष्ण, षड्यंत्रकारी और कोई नहीं अपितु राजगुरु तथाचार्य है। आज शाम को सभी की उपस्थिति में आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। देख लिया वज्र से टकराने का परिणाम, देख लिया कि कैसे आपने मेरे साथ किया हुआ समझौता तोड़ दिया, ये भी देख लिया कि कैसे मेरा सहारा लेकर आपने गुरुवर को दोषी सिद्ध कर दिया, और ये भी देख लिया कि एक काल्पनिक व्यक्ति पर दोष मढ़ने के स्थान पर आपने कैसे गुरुवर को मृत्यु दंड दिलवा दिया, सब देख लिया। ना 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 ना, ना। अभी तुमने देखा ही क्या है, ये तो मात्र एक झलक थी। हमारा एक सुझाव है, जो दिख रहा है वो मत देखो, अपितु जो नहीं दिख रहा है उसे देखने का प्रयत्न करो। जो भी हमसे टकराएगा उसका वही हश्र होगा जो तथाचार्य का हुआ। एक निर्दोष को अपराधी सिद्ध करके आपने अच्छा नहीं किया। अपराधी तो वो है, हमारा अपराधी, राज दरबार में हमारे विरुद्ध बोलने का साहस किया, राज दरबार में हमारे विरुद्ध स्वर ऊंचा करने का दुस्साहस किया। आज की शाम विजयनगर के लिए एक ऐतिहासिक शाम होगी, उदाहरण की शाम होगी कि जो भी हमारे विरुद्ध सर उठाएगा उसका सर ठीक इसी प्रकार कुचल दिया जाएगा, इसी प्रकार कुचल दिया जाएगा। तो ठीक है, एक बात मेरी भी ध्यान से सुनिए, आज संध्या होगी, प्रजा भी होगी, महाराज भी होंगे, आप भी होंगे, मैं भी होऊंगा, किंतु यदि कुछ नहीं होगी तो वो होगी गुरुवर की मृत्यु। अब तो यदि यमराज भी स्वयं धरती पर आ जाएं, तो वो भी तथाचार्य को मृत्यु दंड से नहीं बचा सकते। इस कार्य के लिए यमराज को भी कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही बहुत हूं। तुम बचाओगे तथाचार्य के प्राण? हाँ, आज अभी यही इसी समय मैं आपको चुनौती देता हूं, इस संसार की समस्त शक्ति लगा दीजिए, किंतु मैं मृत्यु को गुरुवर का आलिंगन करने नहीं दूंगा, और अब केवल उनके प्राण ही नहीं, उनका खोया हुआ मान और सम्मान भी लौटाऊंगा, ये वचन है मेरा।
फांसी की सजा है आज राजगुरु। अरे प्रणाम पंडित रामकृष्ण। प्रणाम नकुश महोदय, आप यहाँ? भूतपूर्व राजगुरु विशिष्ट अपराधी हैं, तो फांसी से पूर्व उन्हें कुछ हो न जाए इसलिए महामात्य ने सुरक्षा की दृष्टि से उनकी पहरेदारी का कार्य मुझे सौंपा है। लेकिन आप यहाँ कैसे, क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? मुझे गुरुवर से भेंट करनी है। आखेट करनी है? ये आखेट का समय नहीं है पंडित रामकृष्ण, आखेट नहीं हो सकते। भेंट भेंट न कुछ महोदय, भेंट करनी है। हाँ भेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि महामात्य का आदेश है कि बिना उनकी आज्ञा के हवा का झोंका भी कालकोठी के भीतर नहीं जा सकता। किंतु न कुछ महोदय, मेरा उनसे भेंट करना अति आवश्यक है। परंतु महामात्य के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। कहकाला के विरुद्ध ये लोग कभी नहीं जाएंगे। इस तरह मैं गुरुवर से भेंट कैसे कर पाऊंगा? कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। हाँ उचित है, आप दोनों को महामात्य के आदेश का पालन करना चाहिए, किंतु इस प्रकार आप पालन कर कहाँ रहे हैं? आदेश का पालन कर तो रहे हैं, खड़े तो हैं यहाँ पे, और कैसे करेंगे? ना 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 ना, या तो आपने महामात्य के शब्दों को ध्यान से नहीं सुना, और यदि सुना भी है तो समझा नहीं। उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि गुरुवर से कोई मिल नहीं सकता, अथवा गुरुवर बाहर नहीं आ सकते? क्या थोड़ा ऊंचा बोलिए। महामात्य का आदेश क्या है? कि कोई भी काल कोठरी के भीतर नहीं जाना चाहिए, तो आप दोनों इसी आदेश का पालन कीजिए ना, किसी को भी काल कोठरी के भीतर मत जाने दीजिए। गुरुवर को तो काल कोठरी से बाहर निकाल कर ला ही सकते हैं ना आप दोनों, अन्यथा यदि महामात्य को ज्ञात हो गया कि आप दोनों ने किसी को भी गुरुवर से मिलने नहीं दिया है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं जाने दिया, तो फिर तो आप दोनों को बड़े से बड़ा कड़ा दंड देंगे वो। पंडित रामकृष्ण सत्य कह रहे हैं। ये तो अधिक बुद्धिमान है। पंडित रामकृष्ण, आपने मुझे महामात्य के दंड से बचा लिया। महामात्य को ज्ञात होता तो मेरा गाल आपका आभारी रहेगा पंडित रामकृष्ण। तो अब अपना आभार प्रकट कीजिए और शीघ्र गुरुवर से मिलवा दीजिए। हाँ चलिए। बस आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम भूतपूर्व राजगुरु तथाचार्य को लेके आते हैं। भूतपूर्व राजगुरु तथाचार्य। अरे हमें मत देखिए, बाहर चल के देखिए, आपसे मिलने कौन आया है। महाराज आए हैं क्या? वो अवश्य अवश्य हमें मुक्त करने आए होंगे। अरे महाराज नहीं आए, महाराज ने तो आपको मुक्त कर दिया, सुना नहीं दरबार में क्या कहा? यहां आप खुद ही चल के देखिए, कोई और आया है। आइए आइए आइए। देखिए कौन आया है, आइए। जी अब क्या देखने आए हो कि संध्या को मिलने वाले मृत्यु दंड के लिए हम जीवित भी हैं या नहीं? गुरुवर चाहिए हमें, गुरुवर। हमें मृत्यु दंड दिलवाकर प्रसन्न नहीं जो हमारे घामों पर नमक छिड़कने आए हो? गुरुवर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा विश्वास कीजिए, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं था, ये सब कहकाला की चाल है, मैं तो आपकी रक्षा करने यहाँ आया हूँ। रक्षा? रक्षा करने के लिए यहाँ आया हूँ? रक्षा करनी होती तो अपनी जीवा पर ताला लगाकर दरबार में खड़े नहीं रहते आप। ये तो समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ आपको तब से, ये सब कहकाला की चाल थी जिसके विषय में मुझे कोई ज्ञात नहीं था, उसने ऐसी चाल चली जिसमें मैं स्वयं फंस गया। यदि मैं दरबार में कुछ कहता तो स्वयं जीवित नहीं रहता गुरुवर, किंतु अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हम नहीं मानते। मत मानिए, केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम नहीं देते। देना होगा। आप मुझे ये बताइए कि उस स्त्री ने मेरे साथ विवाह करने का मतलब आपने विवाह किया है? मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। हाँ तो सुनाइए पूरी बात। हाँ, साथ ही ये भी बताइए कि आज से 4 दिवस पूर्व संध्या के प्रहर में जब महामात्य महाराज के कक्ष में चूहे से भयभीत हुए थे, उस समय आप कहाँ थे?
हम क्यों बताएं? गुरुवर, यदि मैं चाहता कि आपको मृत्युदंड हो जाए तो वो तो आज संध्या वैसे ही होने वाली है, फिर मैं आपको बचाने के लिए यहाँ क्यों आता? देखिए, बड़ी कठिनाई से उस नकुश को अपनी बातों में उलझा कर आप तक पहुंचा हूँ। मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वो बहुत है। क्या हो रहा है? एक महत्वपूर्ण भेंट चल रही है महामात्य। देखिए, कोई त्रुटि हो गई महामात्य। हमने कहा था ना, महाराज का आदेश है, बिना आज्ञा हवा का झोंका भी तथा चाले की कालकोठरी में नहीं जाएगा। महामात्य, आपने कहा था कि आपकी बिना आज्ञा के हवा का झोंका भी राजगुरु से मिलने कालकोठरी के भीतर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि आपके बिना आज्ञा के हवा का झोंके से मिलने राजगुरु कालकोठरी के बाहर नहीं आना चाहिए। मंद बुद्धि, मस्तिष्क में वीणा बज रही है क्या? किसने तुम्हें सिखाया? पंडित रामकृष्ण ने सिखाया। पंडित रामकृष्ण ने तुम्हें मूर्ख बनाया और तुम बरगद? क्या कहा महामात्य? प्रयास अच्छा है पंडित रामकृष्ण, किंतु हमने कहा था ना, तथाचार्य को मृत्यु दंड से अब कोई नहीं बचा सकता, इसलिए आप अपनी ये भोली भाली भाव भंगिमाएं लीजिए और यहां से प्रस्थान कीजिए। तथाचार्य अत्यधिक जय जकार करते थे ना पंडित रामकृष्ण की, आज वही जय जकार तुम्हें ले डूबे, मारे जाओगे, काल कोठरी में डाल दो इन्हें। अंततः गुरु जी के मुस्कुराते हुए चित्र पर पड़ी गया फूलों का। आज शाम को हमारे गुरु जी को मृत्यु दंड मिल जाएगा। और कल सुबह हमें हमारी गद्दी वापस मिल जाएगी। बनी चारे जी, अब तो मुंह मीठा करना ही पड़ेगा। रो क्यों रहे हो? कल कैसा खेल रचाना आप दोनों के साथ। हम दोनों के साथ? जो होने वाला है वो नहीं होना चाहिए था आप दोनों के साथ। क्या नहीं होना चाहिए था? पंडित रामकृष्ण गुरु जी के विषय में बात तो नहीं कर रहे? करने दीजिए ना बात, इन्हें क्या पता हम अंदर से कितने प्रसन्न है, किंतु बाहर से रोते। चलो लाओ अपनी अपनी हथेली आगे करो। किंतु क्यों? मेहंदी लगवाइए, खूब सजाइए अपनी इन हथेलियों को और अंतिम दर्शन भी कर लीजिए गुरु जी के। नहीं, अपनी हथेलियों के। क्या? क्या नहीं और क्या? पंडित रामकृष्ण जी आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, गुरुवर ने ना महाराज को बोल दिया है कि मुखौटा पहनकर घूमते तो हुए थे, किंतु वो मुखौटे आप दोनों ने स्वयं अपने हाथों से तैयार किए थे। अब ना रहेंगे हाथ और ना बनेंगे मुखौटे, क्योंकि महाराज ने आदेश दे दिया है कि गुरुवर के मृत्यु दंड से पहले आप दोनों के ये सुंदर सुंदर हाथ कटवा दिए जाए। अतः अंतिम बार मेहंदी लगवा लीजिए। तो पहले मेहंदी कौन लगवाएगा? वही जो पहले हाथ कटवाएगा। लगाओ। पंडित रामकृष्ण जी, केवल केवल आप ही अभी बचा सकते हैं। पंडित रामकृष्ण जी, आप तो बुद्धिमान है ना, हम पर दया कीजिए, कोई युक्ति लगाइए, हमें बचाइए। अच्छा, तो एक कार्य कीजिए, केवल उंगलियां कटवा लीजिए। नहीं, नहीं तो एक हाथ कटवा लीजिए। ये भी नहीं, अब तो मात्र एक ही मार्ग बचा है बचने का। आप दोनों मुझे ये बताइए कि उस स्त्री ने मुझसे विवाह का जो समय बताया था और महामात्य महाराज के कक्ष में जिस समय चूहे से भयभीत हुए थे,
इन दोनों अवसरों पर गुरुवर कहाँ थे? उन दोनों ही अवसरों पर गुरुवर मंदाकिनी देवी के निवास स्थान पर थे। हाँ। अच्छा, मंदाकिनी देवी के निवास स्थान पर। हाँ। मणिचार्य जी, मणिचार्य आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये मेहंदी लीजिए और स्वयं अपने हाथों से अपनी हथेलियों पर लगा लीजिए। क्या है ना, गुरुवर ने आप दोनों पर कोई दोष नहीं लगाया है। हाँ, और ना ही महाराज ने आप दोनों के हाथों को कटवाने का आदेश दिया है। हाँ कांता, काम समाप्त। हाँ। तो चले। हम दोनों पहले से मूर्ख बना दिया पंडित राव कृष्णा ने। मणिचार्य जी, कहीं ये गुरुवर को मुक्त ना करवा दे। देवी। हाँ, किंतु दिए जल रहे हैं, अर्थात इन दियों को अभी कुछ देर पूर्व ही जलाया गया है। पुष्प भी ताजा है। मंदाकिनी देवी यहीं कहीं है क्योंकि द्वार अंदर से बंद था, किंतु वो दी वो यहां है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही? अब क्या करेंगे, संध्या को कुछ ही समय शेष है, कहाँ ढूंढेंगे मंदाकिनी देवी को? कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, हैं? थक गए होंगे, अब आपको विश्राम की आवश्यकता है, सदा सदा के लिए विश्राम।